भाई कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे डंके फिल्म पोस्ट के बारे में। तो कैसा है डंके फिल्म पोस्ट इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल MTM फिल्म रिव्यू में दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिल्म 21 दिसंबर को बाहर की कंट्री में रिलीज होगा और 22 दिसंबर को प्रभास की फिल्म सलार से क्लैश होगा, यानी 22 दिसंबर को इंडिया में रिलीज होगी। फिल्म की बात करें तो डंकी भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो राजकुमार ईरानी द्वारा स्वलिखित और निर्देशित है। यह रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट की गौरी खान, तापसी पन्नू और बमनी रानी है। यह फिल्म डंकी उड़ान के अवैध उपयोग पर आधारित है। और दोस्तों बात करें पोस्ट की तो पोस्ट में SRK का नाम आपको कहीं नजर नहीं आएगा और दोस्तों पोस्ट में टाइटल नाम भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ रिलीज डेट और राजकुमार ईरानी फिल्म नजर आएगा। दोस्तों राजकुमार ईरानी की पिछली फिल्म मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, थ्री इंडियंस, PK, संजू, सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर है। इनकी पोस्ट के ऊपर लिखा है अ सोल्जर्स जर्नी टू क्विप प्रॉमिस, ये कि दोस्तों इसमें शाहरुख खान एक सोल्जर का रोल अदा करने वाले हैं। पोस्ट में उनके हाथ में जैकेट, हैंडबैग और आर्मी बैग है। पैंट से भी पता लग रहा है कि आर्मी रिलेटिव कोई कैरेक्टर जरूर होगा। और जो प्रॉमिस वाली बात लिखी है ऊपर, SRK ने कुछ प्रॉमिस किया होगा, उनको पूरा करने के लिए इनलीगली जर्नी करनी पड़ेगी और यह इनलीगली माइग्रेशन को डंकी कहा जाता है, जो इस फिल्म का टाइटल है। और दोस्तों जब आप इस पोस्ट को देखेंगे तो आपको एक मैप नजर आएगा, उसमें एक लाइन खींची हुई है इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम, यानी कि दोस्तों भारत से US तक की जर्नी करनी पड़ेगी। और आप नीचे कुछ लोग देख रहे हो जो सुमसान रेगिस्तान में पैदल चलते हुए नजर आएगी। तो शायद ये जर्नी शाहरुख खान अकेले कैरेक्टर की ना हो पर वो उन्हें लीड कर रहे हो, या फिर दोस्तों उनके कुछ दोस्त होंगे जो उनको इस जर्नी में साथ दे रहे होंगे। तो दोस्तों मुझे तो ये पोस्ट बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।